राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। चंदौली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के आपके भाई एवं बहनों की तरफ से आशीर्वाद लेकर आपके समक्ष आया हूं कि हमारी पार्टी आपके हित में काम कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने सपा को घेरने की कोशिश करते हुए कहा कि सपा का काम देश में करप्शन फैलाना है, वहीं इस मामा का काम देश और समाज से कचरे को हटाने का है। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चंदौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे, जहां दोनों ने एड़ी चोटी का दमखम दिखाकर वोट मांगे। मध्य प्रदेश से आया हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। सकाल बीही वालों के लिए मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से शुभकामनाएं लेके आया हूं। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। लेकिन याद रखना, कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। सही बात है कि नहीं? देखो, आज आप देखिए राजनाथ जी भाई साहब यहां पे हैं, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हमारे कई नागरिक वहां फंसे थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, संकल्प लिया है मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, कि एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल के वापस लाएंगे। हमारे हवाई जहाज गए, हमारी सेना के लोग भी वहां हैं, 4-4 मंत्री बैठे हैं बॉर्डर पर यूक्रेन के, और हजारों भारतीय सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक एक भारतीय को सुरक्षित बाहर निकाल के लाया जाएगा। बताओ, अगर मोदी जी ना होते तो भारतीय सुरक्षित निकल के आ पाते क्या? रूस ने भी, भारत की ताकत, रूस ने भी मानवीय गलियारा बनाने के फैसला किया कि भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। जब जब भारत के नागरिकों पर दुनिया में कहीं संकट आया है, तब तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभियान चला के अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल के लाए। अफगानिस्तान में हमारे नागरिक फंसे, सुरक्षित निकाल के लाए। कोविड में हमारे नागरिक दुनिया भर में फंसे थे, ऑपरेशन वंदे मातरम चला और एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल के भारत की धरती पर वापस ले आए। अभी भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश बबुआ का तो ऑपरेशन दंगा चलता है, ऑपरेशन दंगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, मैंने अभी देखा, कोई मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो कह रहा है मैं देख लूंगा, 6 महीने तक कोई अफसर नहीं हटेगा। रस्सी जल गई। अब ये 10 तारीख के बाद ऐसा बुलडोजर चलेगा कि ये बल भी निकाल दिया जाएगा, माफियों का पता नहीं चलेगा कहीं। पहले जब अखिलेश का राज था सपा का, तब माफिया उत्तर प्रदेश की धरती पर दंदनाते भी थे और खिलखिलाते भी थे। आज योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा तो जेलों में पड़े पड़े माफिया बिल बिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपा सास से सांप्रदायिकता, मां से माफिया राज और जा से जातिवाद, ये इनका समाजवाद है। सपा के राज को लोग भूल गए। आज मोदी जी की सरकार, राजनाथ सिंह जी की सरकार, यहां योगी जी की सरकार, जब कोविड का महासंकट आया, महामारी,
ये मोदी जी थे भारत के प्रधानमंत्री, तुरंत टीका बना, वैक्सीन बनी। अगर मोदी नहीं होते तो वैक्सीन बनती क्या? कांग्रेस के राज में तो कभी बनी नहीं। वैक्सीन बनी भी और करोड़ों करोड़ लोगों को लगी भी। जनता को कहते थे मत लगवाना और अकेले में जाके अंधेरे में खुद ही लगवाया है। बबुआ अखिलेश, अगर आज भाषण देने लायक बचे हो तो मोदी वैक्सीन के कारण ही बचे हो। यह जनता को भ्रमित करने वाले लोग। और अखिलेश जी के बारे में तो मैं कहता हूं वो आज के औरंगजेब हैं। औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद कर लिया था, पता है कि नहीं, सत्ता के लिए। 2017 में श्री मुलायम सिंह यादव को इन्हें बंद कर दिया, खुद सर्वे सर्वा बन बैठे। मैं नहीं कहता, उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। यह सपा अपनी हो सकती, सपा में तो सपा की साइकिल में कमीशन का पहिया लगा है, करप्शन का हैंडल है और सीट पर माफिया बैठ के चलाते थे। सपा की साइकिल अब हो गई पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्पर। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।